हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। आई एम मुकेश सोनी। आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो है नीति के दोहे। ये दोहे किसके द्वारा रचित है? ये दोहे हमारे साधु महात्माओं के द्वारा रचित है और उन्होंने इन दोहों में हमारे जीवन से रिलेटेड हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। इस नीति के दोहे पढ़ने के साथ साथ हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर और इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है उसको आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य कीजिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोड़। यहाँ वरिंद जी कहते हैं कि हमें अपनी पहुँच से, हमारे विचारों से केवल हमें उतना ही काम करना चाहिए जितनी हमें उस काम की समझ हो। हमारी पहुँच से बाहर का काम हमें नहीं करना चाहिए। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोड़, कि हमें अपने पाँव को केवल उतना ही पसारना चाहिए जितनी हमारी लंबी सोड़ मीन्स होता है रजाई। और रजाई को हम कब ओढ़ते हैं? हम सर्दियों में ओढ़ते हैं। अगर हम रजाई से बाहर पैर निकालेंगे तो क्या होगा? हमें सर्दी लग जाएगी। तो यह वरिंद जी कहते हैं कि हमें जिस काम को जितना आता है उतना ही करना चाहिए, हमारे बस से बाहर के काम को हमें नहीं करना चाहिए और मनुष्य को केवल उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी उसके पास रजाई है। विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन। यहाँ पे रहीम जी कहते हैं कि बिना मेहनत के आपको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। कि ये कौन कहता है कि आपको बिना मेहनत के शिक्षा मिल जाएगी? बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पोन। कि जिस तरीके से पंखे को बिना हिलाए गर्मियों में हवा नहीं लग सकती, उसी तरीके से हमारी जो विद्या है वो बिना मेहनत की हमें नहीं आ सकती। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। कि कारज मैंने होते हैं काम, कि जो काम होता है वो धीरे धीरे होता है। अधीर मैंने उतावला की है, मनुष्य तो उतावला क्यों हो रहा है? काम तो धीरे धीरे ही होता है। समय पाए तरुवर फले कातक सींचो नीर। कि समय आने पर ही वृक्ष के फल पकते हैं, चाहे आप उसे कितना भी पानी से सींच लो। मंत्री गुरु अरुवेद जो प्रिय बोली भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी नाश। कि जो मंत्री होता है, गुरु होता है और वैद्य, वैद्य कौन होते हैं? जो हमारा उपचार करते हैं। इन तीनों को हमेशा प्रिय बोली मतलब सच बोलना चाहिए और वो सच कैसा हो? चाहे कड़वा ही क्यों ना हो, अप्रिय ही क्यों ना हो। राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी नाश। की अगर ये तीनों सच नहीं बोलते तो हमारे मंत्री अगर सच नहीं बोलेगा तो हमारे राज्य का नाश हो जाएगा, गुरु सच नहीं बोलेगा तो हमारे धर्म का नाश हो जाएगा, और जो वैद्य डॉक्टर होते हैं वो अगर सच नहीं बोलेंगे तो हमारे शरीर का नाश हो जाएगा। कि इन तीनों का नाश हो जाता है अगर ये तीनों इंसान सही बात को, सत्य बात को नहीं बोलते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें जो मीठे वचन है वो बोलने चाहिए, क्योंकि मीठे वचन बोलने से ही चारों तरफ सुख आता है। वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। कि वशीकरण होता है अपने आप दूसरों को अपने वश में करना। कि जो मीठी बोली होती है वो एक ऐसा मंत्र है जिससे कि जो दुश्मन होते हैं वो भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। परिहरु वचन कठोर, और हमारे कठोर वचन हमें से दूसरों को दूर कर देते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीति। कि रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो हमारे बहुत सारे सगे हो जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। और जो मुसीबत की कसौटी पर हमारे साथ रहते हैं, हमारा साथ देते हैं, वही हमारे मीत, मैंने मित्र, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। कि हमारी संपत्ति पास होने पर हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन हमें उन दोस्तों का पता कब लगता है? जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग।
रहीम जी कहते हैं कि जो गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की भलाई करते हैं, उनका हित करते हैं, वही लोग बड़े होते हैं। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो, कि कृष्ण जी कहाँ द्वारका नगरी के महाराजा थे और सुदामा कहाँ गरीब सा एक ब्राह्मण था। कि कृष्ण जी ने अपनी मित्रता सुदामा से निभाई थी, तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि कृष्ण जी को बड़ा क्यों माना जाता है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त जो सुदामा गरीब था उसकी उन्होंने बहुत सारी मदद की थी। ये हैं आपके दोहे। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ये हैं आपके शब्दार्थ। कर्तव्य काम शोर रजाई उद्यम परिश्रम पौन हवा कारज काम अधीर उतावला तरुवर वृक्ष नीर पानी अरु और वशीकरण दूसरों को वश में करने वाला मंत्र विपत्ति संकट मीत मित्र मिताई मित्रता। इसके बाद आपके जो मौखिक क्वेश्चन है, पैर कितने फैलाने चाहिए। पैर हमें उतने ही फैलाने चाहिए जितनी हमारे पास लंबी रजाई हो। कवि ने अधीर होने से क्यों मना किया है। कवि ने अधीर होने से मना किया है क्योंकि अधीर होने से हमारे काम नहीं बनते। मंत्री गुरु और वैद्य का राज धर्म क्या है। मंत्री गुरु और वैद्य का राज धर्म क्या है कि इनको सत्य बोलना चाहिए चाहे अप्रिय ही क्यों न हो। कठोर वचन से क्या हानि होती है। कठोर वचन से लोगों को कष्ट होता है और दूरियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद जो आपके रिटर्न क्वेश्चन आंसर है, विद्या रूपी धन कैसे प्राप्त होता है, किससे, मेहनत से। तो विद्या रूपी धन आपको क्वेश्चन में दे रखा, केवल कैसे से लिखना में, परिश्रम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका, मीठे व मधुर वचन बोलने से क्या लाभ है। मीठे व मधुर वचन बोलने से चारों ओर सुख का वातावरण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आपका, सच्चे मित्र की पहचान कब होती है। सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय होती है। रहीम के अनुसार बड़े लोग कौन हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को बड़ा लिखना चाहें तो हम यहाँ से लिखेंगे कि रहीम के अनुसार बड़े लोग वे हैं जो गरीब की भलाई करते हैं। नहीं तो आप इतना ही लिख सकते हो कि जो गरीब की भलाई करते हैं वही रहीम के अनुसार बड़े लोग होते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसी थी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आदर्श मित्रता थी, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों की आदर्श मित्रता थी। इसके बाद ये दोहे की पंक्ति हैं, ये आप अपने आप से भरना। उसके बाद आपको दे रखे हैं सही पे सही का और गलत पे क्रॉस का निशान आपको लगाना है। हमें अपनी स्थिति के अनुसार खर्च करना चाहिए, राइट। बिना परिश्रम के विद्या प्राप्त नहीं होती, राइट। हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, राइट। हमें अपने मित्र की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, गलत। हमें अपने कार्यों के प्रति अधीर हो जाना चाहिए, गलत। उसके बाद है आपका सही पे टिक, जो आपके टिक द करेक्ट आंसर है कि विद्यार्थी जीवन में किस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है, विद्या, उद्यम की, शिक्षा की। नेक्स्ट है आपका, कोई भी कार्य कब सिद्ध होता है। कब सिद्ध होता है, जब हम परिश्रम करते हैं। वृक्ष फल कब देते हैं, कब देते हैं, समय आने पर। कि अगर हम बहुत ज़्यादा पानी से सींचेंगे तो भी नहीं होगा, देखभाल करेंगे तो भी नहीं होगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, समय आने पर। तुलसीदास के अनुसार हमें त्याग देने चाहिए। क्या त्याग देने चाहिए, कठोर वचन। इसके बाद आता है आपका भाषा ज्ञान, व्याकरण का जो पार्ट है, इसमें आता है आपका लिंग किसे कहते हैं। लिंग वो होते हैं जो इस पुरुष या स्त्री जाति के बारे में हमें बताते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्री लिंग और पुलिंग। स्त्री लिंग क्या होता है, जो स्त्री जाति के बारे में बताए। यहाँ से मैच करके देखना, स्त्री से स्त्री जाति के बारे में बताए और पुलिंग से पुरुष जाति के बारे में बताए, उसे हम पुलिंग कहते हैं। यहाँ पे आपको स्त्री लिंग दिए गए हैं और आपको उनको चेंज करना है, सॉरी पुलिंग दिए गए हैं और स्त्रीलिंग में उनको चेंज करना है। जैसे शेर शेरनी, कबूतर कबूतरी, पति पत्नी, श्रीमान श्रीमती, भिखारी भिखारिन, बालक बालिका, ब्राह्मण ब्राह्मणी, देवता देवी। इसके बाद आपके हैं तुक वाले शब्द। तुक होते हैं जिनके पीछे के जो शब्द होते हैं उनके जो साउंड आती है वो सेम सेम आती है, जैसे नीर खीर
शोर और मीत गीत, पौन मौन कठोर चटोर नास पास। इसके बाद आते हैं आपके पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द, इनको हम इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं कि एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे तरुअर, तरुअर को हम पेड़ भी बोलते हैं और वृक्ष भी बोलते हैं। गुरु, गुरु शिक्षक भी होता है और अध्यापक भी होता है। गीत, गाना। नीर, जल पानी। शोर, रजाई। कृष्ण, गोविंद। उसके बाद आते हैं आपके वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद होते हैं वर्णों को अलग अलग करना। जैसे यहाँ पे कह रहे तय वह दिया हुआ है, अगर हम इसको बोलते हैं कह ए, हमें कह के साथ ए की साउंड आ रही है, अगर हम इस ए की साउंड को निकाल देते तो ये बचेगा क र त ब। और जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो इसके नीचे हम हलंत का यूज करेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि अब कह क्या है, आधा है। जैसे कर्तव का कै प्लस ए, रे प्लस ए, ते प्लस ए, बे प्लस ए, के रे ते बे। उसके बाद है कारज। कारज में आपको ए का साउंड आ रहा है तो के प्लस आ, का, रे प्लस ए, रे, जे प्लस ए, जे, का रे जे। तरुवर, ते, ते और प्लस ए, ते और ए से बन गया ते। रू, रे में किसकी साउंड आ रही है आपको, ऊ की साउंड आ रही है, रे प्लस ऊ, रू। वे प्लस ए और रे प्लस ए, ते रू वे रे। उसके बाद आता है आपका कसोटी। अब हमें इसमें देखना ये होता है कि हमारी साउंड किस किस चीज़ की आती है। कै में हमें केवल कै की साउंड आ रही है, कै प्लस ए। सो, से के साथ किसकी साउंड आ रही है, ओ की, से प्लस ओ। अब हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, तो हम इसके साथ ओ लगाएंगे। जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये सो बनेगा। और उसके बाद है टी। इसमें मात्रा कौन सी है, बड़ी ई की है, तो हम यहाँ ई भी कौन सी लगाएंगे, बड़े वाली, टे प्लस ई, के प्लस ए, से प्लस ओ, टे प्लस ई, के सो टी। ये है आपका लेसन नंबर 6। और 6 के साथ मैंने आपको करवा दी है क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह आपका सब कुछ हो गया है। आप अपनी बुक में फिलअप कर लीजिए और वीडियोज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।